बोलते हुए और टीचर्स को बोलते हुए कि लगातार 80 दिन से 70 दिन से हम लोग फीस वृद्धि के खिलाफ मूवमेंट कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इस मूवमेंट को हमें आगे लेके जाना होगा, इंटेंसिफाई करना होगा और इसको हम तभी कर सकते हैं जब स्टूडेंट जेएनयू के एकजुट है। लेकिन 6:30 बजे के करीब अचानक से गुंडे कैंपस के अंदर घुस के आयरन रॉड लेके पहले मुझे अटैक करते हैं, मारते हैं और उसके बाद जो वहाँ पे तमाम सारे हॉस्टल से साबरमती हॉस्टल वहाँ पे तोड़फोड़ करते हैं, जिनके रूम्स के बाहर अंबेडकर के फोटो रहता है, भगत सिंह का फोटो रहता है, वो सारे रूम को खत्म कर देते हैं। 2-3 स्टूडेंट्स को बैल्कनी से फेंका गया है। तो इस तरीके से करने के बाद आज शायद 8-9 दिन हो गया है लेकिन पुलिस के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं है, ना जो लोग घुस के गुंडागर्दी की है उनके खिलाफ कोई एक्शन है। तो आज हम समझ सकते हैं इस सरकार के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है तो ये हमारे देश के लोग हैं। हमारे देश के जो लोग हैं यही सरकार को दिखा सकता है कि अगर हम आपको सरकार में लाना जानते हैं तो आपको सरकार से हटाना भी जानते हैं। और ये चीज मैं बार बार याद दिलाने की कोशिश करूंगी कि अगर सरकार सोच रहे हैं कि वो संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और वो सफल हो जाएंगे तो कभी नहीं होंगे। यहाँ इस देश के जो लोग हैं वो अपना सीना तान के उस 56 इंच के सामने खड़े हैं और मैं सबसे शुक्रिया और गर्व महसूस करती हूँ कि इस सारे आंदोलन में जो पिछले एक साल से हम लोग देख रहे हैं महिलाएं सबसे सामने आके अपना सीना का तान करके खड़े हैं। चाहे तुम डंडा मारो या बंदूक निकालो या आयरन रॉड, हम पीछे नहीं हटेंगे। और मोदी और शाह यही बात बोल रहे थे कुछ महीने पहले कि मुसलमान औरतों को हमें फ्री करना है, रिहा करना है। तो आज यही मुसलमान औरतें दिखा रही है कि सड़कों पे उतर के हम अपना आजादी छीनना जानते हैं, हम अपने आजादी की लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं और मोदी और अमित शाह को बताने की जरूरत नहीं है मुसलमान औरतों को। हम अपना आजादी हमारे कपड़ों में, रहन सहन में लेके हुए भी अपनी आजादी की लड़ाई लड़ सकते हैं। और मैं पहले भी जब जामिया आई थी मैं बोल के गई थी कि ये देश जितना नेहरू और गांधी का है उतना ही मौलाना अबुल कलाम आजाद और एपीजे अब्दुल कलाम का है। और ये चीज आरएसएस याद रखे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद और एपीजे अब्दुल कलाम, गांधी नेहरू ने जाके माफी मांगा नहीं मांगी थी। और आज जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो सावरकर और गोलकर किस तरीके से माफीनामा मांगे थे उनके इतिहास में नहीं पढ़ेंगे हम। अगर पढ़ेंगे तो हम राम प्रसाद बिस्मिल के इतिहास पढ़ेंगे, अगर हम पढ़ेंगे तो अशफाक खान को याद करेंगे, अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो भगत सिंह को याद करते हुए पढ़ेंगे जिन्होंने 23 साल की उम्र में अपनी जान दे दी थी हमारे देश के लिए। तो अगर आज हम देश को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं हमें उन शख्सियत को याद रखना पड़ेगा। और साथ साथ एक और बार मैं जामिया में शहीद बाग में तमाम सारी औरतें पूरे देश में जो आज लड़ रहे हैं इस लड़ाई को आगे लेके जा रहे हैं और जो सारे तमाम आवाम है इस देश की जो लड़ाई को लेके आगे जा रहे हैं उनको क्रांतिकारी इस्तकबाल करना चाहती हूँ। मैं अपना बात खत्म करने से पहले एक चीज जरूर बताना चाहूंगी, इस लड़ाई में कहीं ना कहीं हम कश्मीर को पीछा नहीं छोड़ पीछा और उनका बात नहीं भूल सकते। उनके साथ जो हो रहा है कहीं ना कहीं वहीं से इस सरकार ने शुरू किया था कि हमारे संविधान को कहीं ना कहीं हमसे छीना जाए और उनको भूलते हुए उनको अलग करते हुए हम अपना आंदोलन को कभी नहीं जीत सकते। तो हर एक आंदोलन में कश्मीर के उन सारे तमाम साथियों को याद किया जाए जो आज भी अपने लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इसके साथ मैं अपना बात खत्म करना चाहूंगी। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। कॉम्रेड आयशे को लाल सलाम। कॉम्रेड आयशे को लाल सलाम। पूरे जेएनयू को लाल सलाम। पूरे जामिया को लाल सलाम। पूरे एमयू को लाल सलाम। पूरे डीयू को लाल सलाम। तो हम क्या चाहते हैं? तो हम क्या चाहते हैं?
आजादी, जो पुरुष भी बोला आजादी, जो सुल्तान तरफ पे आजादी।